अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज छुट्टी का दिन है और रमज़ान में भी तकरीबन एक दिन रह गया है। अगर आज चांद दिख गया तो आज पहली सहरी हो जाएगी, और अगर नहीं दिखा तो कल होगी। तो हम लोग बस जा रहे थे रमज़ान का सौदा लेने के लिए, कुछ ग्रॉसरी करने के लिए। तो मोहम्मद अली भी यहाँ पर तैयार है। मोहम्मद अली हेलो, से हाय। से हाय, कहाँ जा रहे हैं आप? डायमंड। क्या करने जा रहे हैं डायमंड? चीज लेने जा रहे हैं। कौन सी? बाबा की और मेरी। आपकी मम्मा की नहीं? आपकी। आपकी? A few moments later. ग्रोसरी के लिए हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे तो शदीद रश हुआ हुआ है। आज लास्ट डे है और आज सैरी भी हो जाएगी रात में, तो यही लग रहा है कि लोग सारे के सारे आज ही आ गए हैं सौदा लेने के लिए। क्या ले रहे हो? जूस का है आपका? क्या टाइम नहीं है? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा नहीं, अभी नहीं। बाबा अभी आ जाएं। 2000 years later. इतने रश में से आखिरकार हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। घर आते साथ ही मैंने जल्दी जल्दी सामान सेट कर दिया था सारा जो लेकर आए थे, ताकि रमज़ानों में परेशानी ना हो सामान की कि कौन सा कहाँ रखा हुआ है। सबको सेट एक जगह कर दिया था। साथ ही साथ मैंने चने भी भिगो दिए हैं, काले और सफ़ेद, पूरे महीने के लिए। एक ही बार बॉयल करके रख लूँगी। बॉयल करके रखने से ज़रा आसानी हो जाती है रोज़ के रोज़, और अगर कोई अर्जेंट बनाने भी हों तो सिर्फ एक निकाला जाए बॉयल हुए हुए चने और फ़ौरन से बना लिए जाए मसाला डाल के। और नाकाम कोशिश चल रही थी मेरी कुकर को बंद करने की, क्योंकि कुकर बंद करना और खोलना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। चने भी ठंडे हो गए हैं और मैंने उनकी थैलियाँ बना के रख दी हैं साथ ही साथ फ्रीज़र में। और यहाँ काले चने भी मेरे रेडी हो गए हैं और इनकी मैंने थैलियाँ बना ली हैं और फ्रीज़र में रख दूँगी इनको भी। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।